बेचैनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आज के इस छोटी सी वीडियो में जान लेते हैं। तो बेचैनी को इंग्लिश में कहते हैं एजिटेशन। एजिटेशन जैसे क्या बोल सकते हैं, शेर को सामने आता देखकर उसके मन में बेचैनी सी होने लगी। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे, सीइंग द लायन कमिंग इन फ्रंट हिज माइंड स्टार्टेड फीलिंग एजिटेशन। दूसरा सेंटेंस जैसे क्या बोल सकते हैं, मीरा के पास स्कूल फीस ना होने के कारण वह बहुत बेचैनी में दिख रही थी। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे, शी वॉज लुकिंग वेरी डिस्कम्फर्ट एज मीरा डिड नॉट हैव स्कूल फीस। तो इस तरह आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो बेचैनी को डिस्कम्फर्ट या फिर एजिटेशन कह सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो के थ्रू आपने इंग्लिश का एक नया वर्ड सीखा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ में टीम क्लासेस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आप डेली लाइफ यूजेस इंग्लिश के ऐसे स्मार्ट वर्ड सीख सकें। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।